सो हेलो एवरीवन, दिस इज कुशल सरकार। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया हमें क्लास 11th में ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहिए। तो इसके ऊपर मैंने अपने स्ट्रीम सिलेक्शन वाले वीडियो पे भी बात किया था। बाकियों की तरह उसमें ये नहीं बताया था कि ये सब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट लेना है। पूरा कैरियर ऑप्शन आपको बताया था, डिफरेंट डिफरेंट आपको, इवन ये भी बताया था कि जर्मनी में आपको फ्री में कैसे जाके पढ़ना है। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वाली वीडियो जाके देखो। तो कई बच्चों को कन्फ्यूजन आ रहा था तो मैं आपको डायरेक्टली आके एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आपको मेजरली मिलता है CS, या फिर आप कोई लैंग्वेज ले सकते हो जैसे कि फ्रेंच हो गया, हिंदी हो गया, या फिर फिजिकल एजुकेशन, या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर म्यूजिक। तो अगर आपका कोई पहले से टैलेंट है जैसे कि म्यूजिक वगैरह हो गया तो आप म्यूजिक में ले सकते हो कंफर्टेबली, आप उसमें अच्छा स्कोर करोगे। पर बच्चों को मेजरली डाउट आता है कि भैया हम CS ले या फिर फिजिकल एजुकेशन ले। तो आंसर एकदम सिंपल है, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जैसे कि IIT हो गया या NEET हो गया, NDA हो गया, कोई सा भी एग्जाम हो गया, तो आप डेफिनेटली फिजिकल एजुकेशन लो। क्योंकि फिजिकल एजुकेशन एक बहुत आसान सब्जेक्ट है जिसको आप एग्जाम के एक हफ्ता पहले पढ़ के भी 90 से ऊपर स्कोर कर सकते हो। मैंने खुद सिर्फ एक हफ्ता पढ़ा था, सिर्फ एक हफ्ता, बुक एक हफ्ते पहले खोली थी मैंने और मेरे फिजिकल एजुकेशन में अराउंड 92 या 93 मार्क्स आ गए थे क्लास 12th बोर्ड में। तो फिजिकल एजुकेशन में स्कोर करना इतना आसान है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करने तो फिजिकल एजुकेशन इज़ दी बेस्ट। लेकिन अगर आपका CS में इंटरेस्ट है तो आप CS ले सकते हो, लेकिन एक चीज़ याद रखना, एक्स्ट्रा बर्डन आपके सर पे ये रहेगा क्योंकि आपको इसको प्रॉपरली 2 साल पढ़ना पड़ेगा। बाकी मेन सब्जेक्ट्स की तरह ही इसमें स्कोर करना रिलेटिवली थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपको। तो जब आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम सामने आएगा तब आपके सर में एक एक्स्ट्रा बर्डन रहेगा कि मुझे ये ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी पढ़ना है। तो इसलिए बेस्ट रिकमेंडेशन यही है कि फिजिकल एजुकेशन लो, सिर्फ एक हफ्ता में 90 से ऊपर तुम आराम से स्कोर कर सकते हो। कईयों को ये भी डाउट आता है कि भैया हम CS लेंगे तो क्या आगे हमको कॉलेज में फायदा होगा, क्या हम आगे CS की डिग्री लेंगे तो हमको कुछ समझ आएगा। तो बिल्कुल यार, एकदम आपको जीरो बेसिक से पढ़ाया जाता है कॉलेज में। जो भी आपको 11th 12th में पढ़ाया गया वो आप शुरू के 1-2 महीने तब आपको हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आए, लेकिन आप तब कवर कर लोगे। अभी कंपटीशन निकालना इंपॉर्टेंट है, लेकिन तब आप इजीली मेहनत करके 1-2 महीना में आप प्रॉपरली अच्छे से कर लोगे। और चाहे आप क्लास 12th में CS लो या फिजिकल एजुकेशन, आगे आपके करियर में, आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई होप इस वीडियो से आपका डाउट एकदम क्लिस्टर क्लियर हो गया होगा। फिर बोल रहा हूँ, स्ट्रीम सिलेक्शन वाली वीडियो जाके देख लो, बेस्ट वीडियो है पूरे यूट्यूब में। ऐसी ऐसी बातें बताइए जो आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। प्लस अगर आपका ऐसा ही कोई डाउट है जो आप चाहते हो कि मैं क्लियर करूं और वीडियो बनाऊं, तो इंस्टाग्राम में फॉलो करके फटाफट से मैसेज कर दो और कमेंट सेक्शन में भी लिख के बताओ अगला वीडियो कौन सा चाहिए। मिलता हूं मैं आपको अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।